हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया एंड यू आर ऑल वेलकम टू द डी के गुप्ता ऑनलाइन वीडियोज़ फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड जैसे कि मैं आपको साइंस की वीडियो करवा रही थी जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया थी जो था आपका फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड जिसमें से मैंने आपको करवाया था कि फ़ूड क्या होते हैं ठीक है ठीके? फिर उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है फूड के एंड उसके सोर्सेज क्या है तो हम कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो कॉम्पोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फाइव कॉम्पोनेंट्स है थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने फाइव कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने जो था आपके कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन वाइटामस एंड मिनरल्स आर आज हम उन कॉम्पोनेंट्स को थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड में पाए जाते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं देखिए क्या लिखा है पहले तो आप ये देखिए रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रीशन मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका रोल क्या है आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन का क्या रोल है या वाइटामिन और मिनरल्स का क्या रोल है तो देखिए एक छोटा सा टेबल देख रहा होगा आपको यहाँ पे वीडियो में क्या लिखा है इन इन जो न्यूट्रिशन नुट्रिश, न्यूट्रिशन है इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला है आपका एनर्जी गिविंग फूड दूसरा आपका बॉडी बिल्डिंग फूड तीसरा आपका प्रोटेक्टिव फूड अब एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं मतलब आपको रोटी से कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलते हैं वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रेड हो गए ठीक है आपका मिल्क हो गया आपका पटैटो हो गया दैट इज़ योर एनर्जी गिविंग फूड एंड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स अब आपता बॉडी बिल्डिंग फूड अब बॉडी बिल्डिंग फूड का क्या मतलब होता है जिसमें आपकी मसल्स डेवलप होती है ठीक है दैट इज़ अर बॉडी बिल्डिंग फूड आपकी बॉडी डेवलप होएगी ग्रो होएगी तो वो क्या कंटेन करते हैं प्रोटीन अब प्रोटीन में आप नट्स ले सकते हो चिकन हो गया या फिर आप दूध ले सकते हो एग्स ले, ले सकते हो इन सब चीज़ों में आपको प्रोटीन प्रोवाइड होगा जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो मैंने पिक्चर्स यहाँ पे स्पेशली आपके लिए डाली है कि आपको समझ में आए कि किन किन चीज़ों से आपको प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट मिलते हैं अब आप है आपका लास्ट जो है प्रोटेक्टिव फूड आप प्रोटेक्टिव फूड का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं जैसे जैसे आप ग्रो करते हो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक होती है कभी स्ट्रांग होती है तो प्रोटेक्टिंग गिविंग फूड आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं आपके जो कट हो जाते हैं उसको भरने की कोशिश करते हैं ठीक है तो अब इसमें क्या प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है आपका वाइटामिन और मिनरल्स आता है आप वाइटामिन आपको फ्रूट से मिल सकते हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी आपकी गाजर हो गई है ये चिकन हो गया है ये पपाया हो गया है ये सारे आपके प्रोटेक्टिव फूड है मतलब आपके वाइटामिन और मिनरल्स आपको एक प्रोटेक्ट करते हैं आपको डिजीज़ होने से मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करते हैं आपको कंट्रोल करते हैं कि आपकी डिजीज ना हो देखिए अब हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड के बारे में कि मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में कैसे डेवलप होंगे क्या मतलब होता है इनका तो देखिए क्या लिखा है आपका कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मतलब आपका जैविक कंपाउंड मतलब आपका यौगिक तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन क्या कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इंक्लूड करता है कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है सेक्राइड और ग्रीक में सेकरन का मतलब होता है शुगर मतलब चीनी कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री ग्रुप अब कार्बोहाइड्रेट तीन ग्रुप में बांटा गया है पहला आपका मोनोसेकराइड्स सेकेंड आपका ऑलिगोसेकराइड्स थर्ड है आपका पॉलीसेकराइड्स ये तीन ग्रुप में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट्स को अब देखिए हम मोनोसेकर के बारे में पढ़ते हैं में देखिए क्या लिखा है मोनोसेक्राइड्स ऑफ सिंपल शुगर आर फाउंड इन ग्रेप्स अदर फ्रूट्स एंड हनी पहले तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विच वन इज द सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड्स ऑलिगोसेकराइड्स या पॉलीसेक्राइड तो आपके सिंपल शुगर है वो हमेशा मोनोसेक्राइट्स होती है और किस में पाई जाती है ग्रेप्स में अदर फ्रूट्स में या फिर शहद में पाई जाती है ऑल दो दे कैन कंटेन फ्रॉम थ्री टू नाइन कार्बन एटम मतलब वो क्या कंटेन करते तीन से नौ कार्बन एटम कंटेन करते जिसमें से मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है फाइव से सिक्स कार्बन एटम वाला मोस्ट कॉमन है जो पाया जाता है एटम्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ चेन लाइक मॉलिक्यूल अब चेन लाइक मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ जैसे एक कार्बन आपका ऐसे अटैच है एक कार्बन ऐसे अटैच है एक कार्बन ऐसे अटैच होगा एक कार्बन ऐसे अटैच होगा मतलब एक चेन फॉर्म कर रहे हैं चेन लाइक मॉलिक्यूल में अटैच होते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल शुगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक और ऐसा बनता है कि इनमें से कौन सी सिंपल शुगर है मतलब कौन सी तीन तीन ऐसी शुगर है जो आपकी सिंपल है तो पहली देखिए क्या है आपकी ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रॉस ग्रेप शुगर एंड कॉर्न शुगर फिर है आपकी सेकेंड जो सिंपल शुगर है वो आपकी फ्रुक्टोज जो फ्रूट शुगर है फिर है आपकी थर्ड uh, जो शुगर है वो आपकी राइबोज है मतलब तीन ऐसी शुगर है जो आपकी सिंपल शुगर है ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड रईबोज द एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इनडायरेक्टली सप्लाई मोस्ट लिविंग थिंग्स मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड होती है केमिकल बॉन्ड में ग्लूकोज में इनडायरेक्टली क्या सप्लाई करती है लिविंग थिंग्स को विद ए मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करती है दैट इज नेसरी फॉर देम टू कैरी एक्टिविटी और क्या किस चीज़ में नेसरी है वो एक्टिविटीज़ को कैरी करने में मतलब आप चल रहे हो बैठ रहे हो बोल रहे हो एवरी थिंग नीड्स एनर्जी तो ये केमिकल बॉन्ड है ग्लूकोज में जो आपको ह्यूमन बींग को एनर्जी प्रोवाइड करता है अपनी एक्टिविटी को कैरी करने के लिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड्स होते हैं टू टाइप के एक होता है आपका डबल बॉन्ड एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड में एक ओ एटम होता है जो कीटीन कि, से रिलेटेड हो, होता है और कोवेलेंट में होता है थ्री टाइप्स के जिसमें होते हैं कार्बन टू कार्बन फिर होता है आपका कार्बन टू हाइड्रोजन फिर होता है ऑक्सीजन टू कार्ब हाइड्रोजन तो ये थ्री दो टाइप के बोन होते हैं एक डबल और एक होता है कोवलेंट जस्ट फॉर ए इन्फॉर्मेशन बताया मैंने आपको कि टू टाइप के बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड फिर है आपका अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा है अब देखिए हम सेकेंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो है आपका ओलिगोसेकराइड्स अब देखिए ओलिगोसेकराइड्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट दैट हील्ड हील्ड मतलब होता है प्राप्ति करना टू और टेन मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिस आर कॉल्ड ओलिगोसेकराइड देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आप केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं कंपाउंड में ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर मतलब एक केमिकल प्रोसेस और अ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर दैट इज योर हाइड्रोलिसिस तो क्या लिखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट दैट हील टू और मोनसेक्रोराइट मतलब कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त करते हैं दो से दस मोनोसेक्राइट यूनिट को किस प्रोसेस पे हाइड्रोलिसिस के थ्रू आर कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड्स अब एग्जाम्पल डाई सेक्राइड अब डाई सेक्राइड्स के होते हैं जिसमें टू शुगर कंटेन होती है मोनोसेक्राइट में सिंपल शुगर थी मतलब वन शुगर कंटेन थी डाई में टू शुगर कंटेन होती है टू मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं मतलब एग्जांपल डाई इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर दैट आर लिंक टू ईच अदर फॉर्म आर डाई और अ डबल शुगर मतलब क्या एग्जाम्पल है डाई में जिसमें टू मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल शुगर के मतलब एक सिंपल शुगर मतलब एक दो मॉलिक्यूल है सिंपल शुगर के आर लिंक्ड ईच अदर फ्रॉम ए डाई सेक्राइड्स और डबल शुगर किससे लिंक्ड होते हैं है डाई सेक्राइड से या फिर डबल शुगर से द डाई सेक्राइड सुक्रोज और टेबल शुगर कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज मतलब जो डाई सेक्राइड सुक्रोज और टेबल शुगर है किस किस चीज़ से कंसिस्ट होती है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज द मोस्ट फेमिलियर सोर्स ऑफ सुक्रोज मतलब सबसे ज़्यादा फेमिलियर सोर्स शोत्र क्या है सुक्रोज का शुगर बीट्स एंड शुगर केन शुगर केन आपको पता है गन्ना होता है शुगर बीट होती है आपकी मीठे चुकंदर एक होता है चुकंदर बीटरूट एक होता है मीठे चुकंदर जो मीठे चुकु... आपने जो बीटरूट होंगे वो एकदम लाल होते हैं बट जो शुगर बीट्स होती है जो आपके मीठे चुकंदर होते हैं वो पूरे टोटली लाल नहीं होते मतलब आप लगा सकते हो थोड़े से मूली जैसे होते हैं लेकिन मूली से कम होते हैं मतलब पूरे टोटली मूली जैसे नहीं होते हैं फाइट के होते हैं बट मूली से छोटे होते हैं काफी दैट इज योर शुगर बीट्स मिल्क शुगर और लैक्टोज एंड माल्टोज आर ऑल्सो डाई अब आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक और ऐसे बनता है कि इनमें से डाई कौन से शुगर है मतलब डाइसेक्राइट कौन सा है मिल्क शुगर है लैक्टोज है माल्टोज है या फ्रुक्टोज है या फिर आपका सुक्रोज है कौन सा इनमें से आपका डाई है तो आपका आंसर क्या होगा आपके जो डाइसेक्राइट्स है कौन कौन से मिल्क शुगर डाइसेकराइट है लैक्टोज डाई है और माल्टोज डाई है बिफोर द एनर्जी इन डाई कैन बी यूटिलाइज मतलब जो डाई बिफोर द एनर्जी इन डाई जो हम जो डाई से हमें एनर्जी मिलती है उससे पहले कैन बी यूटिलाइज बाई लिविंग थिंग अगर आगे पढ़ते हैं पहले पूरा पढ़ लेते हैं द मोलिक्यूल मस्ट बी ब्रोकडाउन इं टू देर रिस्पेक्टिव मोनोसेक्राइड मतलब एक डाई को करने से पहले जो आपके मोलिक्यूल है पहले आपको मोनोसेक्राइड्स में तोड़ने होंगे उसके बाद वो डाई में टूटेंगे तब जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड होएगी मतलब बिफोर द एनर्जी इन डाई कैन बी यूटिलाइज जो डाई की एनर्जी है वो यूटिलाइज होने से पहले उस मोलिक्यूल को पहले मोनोसेक्राइड्स में टूटना होगा उसके बाद वो जाके डाई में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अब हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थर्ड ग्रुप क्या है आपका पॉलीसेक्राइड्स द टर्म मीन्स मैनी शुगर मतलब पॉलीसेक्राइट का क्या मतलब होता है कई चीनी एंड रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन नेचर मतलब ओवरऑल क्या मतलब हुआ इस लाइन का इस शब्द का अर्थ क्या हुआ कि कई चीनी और प्राकृतिक में पाए जाने वाले अधिकांश स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और ऊर्जा आकर्षित कार्बोहाइड्रेट्स को प्रतिनिधित्व करता है फिर देखिए क्या लिखा है आगे लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट मे कंसिस्ट ऑफ एज मैनी एज टेन थाउजेंड मोनोसेक्राइड यूनिट लार्ज मॉलिक्यूल्स पोलोसेक्राइट्स में कंसिस्ट करते क्या टेन थाउजेंड मोनोसेक्राइड्स यूनिट लिंक टुगेदर एक साथ जोड़ के पॉलीसेक्राइट्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज इन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन शुगर कंटेंट जो पॉलीसेक्राइड्स है वो क्या होते हैं आकार में काफ़ी विभिन्न होते हैं ठीक है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनके शुगर कंटेंट भी डिफरेंट होते हैं बेसिकली जो आपकी पॉलीसेक्राइट है वो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर तो मतलब एक होती है आपके सिंपल शुगर जो कहते हैं मोनोसेकराइड्स को एक होती है आपकी पॉली पॉलीसेक्राइड जिसमें होता है आपका कॉम्प्लेक्स शुगर तो दो टाइप होगी सिंपल शुगर एंड शुगर सिंपल शुगर को हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं को हम बोलते हैं प्लांट है, में, है? में. तो आपका एक और स्टार्च कि किस में फाउंड होता है प्लांट में और ग्लाइकोजीन किसमें फाउंड होता है आपका एनिमल्स में ऑल्सो आर कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड और ये दोनों स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन क्या है आपका कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड्स है अब आगे देखिए आगे पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है स्टार्च इज फाउंड मोस्टली इन सीड्स रूट्स एंड स्टेम्स स्टार्च किस में फाउंड होता है मोस्टली सीड रूट एंड स्टेम में वेयर इट इज स्टोर्ड एज एन अवेलेबल एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट जो कहाँ स्टोर होती है एक एनर्जी के सोर्स में प्लांट्स में प्लांट स्टार्च में बी प्रोसेस्ड इनटू फूड सच एज ब्रेड और इट मतलब प्लांट का जो स्टार्च है वो क्या प्रोसेस करता है इनटू फूड में ब्रेड और इट मे बी कंज्यूम डायरेक्टली या फिर प्लांट डायरेक्टली और हम वो चीज़ डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं जैसे एज इन पोटैटो फॉर इंस्टांस ग्लाइकोजीन विच कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब ग्लाइकोजीन क्या है एक ब्रांचिंग चेन है ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के इज फॉर्म्ड इन द लिवर किस में फॉर्म्ड होता है लिवर में मसल्स ऑफ हायर एनिमल्स एंड इट इज स्टोर्ड एज एन एनर्जी सोर्स और क्या स्टोर करता है एक एनर्जी की शोत्र में इसको स्टोर करता है देखिए मतलब इन शॉर्ट इसमें क्या बोला गया आपको जो स्टार्च होता है वो कहाँ फाउंड होता है मोस्टली सीड रूट एंड स्टेम में वेयर इट इज स्टोर एज एन अवेलेबल एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट जो वो एक प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक प्लांट स्टार्च में भी प्रोसेस इन टू फूड और एक प्लांट का स्टार्च फूड में भी कन्वर्ट होता है जैसे ब्रेड हो गए ठीक है और डायरेक्टली भी डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं जैसे पटेटो हो गए इंस्टांस और ग्लाइकोजीन एक ब्रांचिंग चेन फॉलो करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की और कहाँ पे फॉर्मड होते हैं लिवर में मसल्स ऑफ हायर एनिमल्स में और एज स्टोर्ड इन द एनर्जी सोर्स और किस में स्टोर होता है एनर्जी सोर्स में तो आप ये ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे आपका स्टार्च वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस्ड फूड वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट कंज्यूम डायरेक्टली कौन से कर सकते हैं ठीक है और ग्लाइकोजीन में हम कौन से मॉलिक्यूल कितने ब्रांचिंग ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और कहाँ फॉर्म होते हैं जैसे लिवर मसल्स एनिमल्स और किस चीज़ में किस चीज़ के थ्रू वो स्टोर uh, होता है एनर्जी के थ्रू अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब पॉलीसेक्राइड्स में कौन कौन सी या फिर मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से फ्रूट या शुगर हम इंक्लूड करते हैं तो देखिए क्या है सिंपल मोनोसेक्राइड्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रूट एंड शुगर जैसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं आपको फोटो लगी हुई है कि आपकी स्ट्रॉबेरी है ग्रेप्स है आपकी सिंपल शुगर है दैट इज योर मोनोसेक्राइड्स फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेक्राइड्स मतलब कि पॉलीसेक्राइट्स में क्या इंक्लूड करेंगे हम स्टार्च हो गया आपका सेलुलोज हो गया ग्रेन्स प्लांट सेल वॉल दैट इज योर पोलोसेक्राइड्स मतलब आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर हो गई है अब हम देख लेते हैं और पिक्चर्स जो आपकी ओलिगोसेकराइड्स से रिलेटेड है देखिए अब हम देखते हैं आपकी ओलिगोसेकराइड्स में कौन कौन से फ्रूट इंक्लूड होते हैं ठीक है आपका जेरोसलम हो गया एक आपका सैलड्स एंड रेड अनियंस आपका एसिडोफिलिस्ट योगर्ट हो गया न्यूट्रिशन बार बनानाज डाइट कोर्ट ये आप डाइट डाइट सोडा ये सारे आपको किस में हाई होते हैं आपके ओलिगोसेकराइड्स में मतलब कि हमने आज क्या सीखा है कार्बोहाइड्रेट्स के तीन ग्रुप होते हैं मोनोसेक्राइड्स ऑलिगोसेकराइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स मोनीसेकोराइड्स को हम सिंपल शुगर बोलते हैं पोलिसक्राइड्स को हम कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं मैंने मोनीसेकोराइड्स ऑलिगोसेकोराइड्स और पोलिसक्राइड्स के आपके कुछ एग्जांपल्स दिए आपके फ्रूट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं ठीक है ये सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को आज देनी थी आपको इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट्स प्रोटीन वाइटामस एंड मिनरल के बारे में कि कैसे कैसे आपके फूड में वो हेल्प करता है क्या क्या प्रोसेस होता है प्रोटीन का या फिर वाइटामस का या मिनरल्स का अब मैं आपको क्वेश्चन देख रही हूँ दे रही हूँ कि आपकी आपको मुझे, मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो और आपको कितनी नॉलेज हुई है ठीक है तो आपका क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड आपके सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब सिंपल शुगर किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स शुगर किसे कहते हैं मुझे बताना आप आई एम नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शन तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कितना आया है कितना समझ में आया है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इसका आंसर अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो प्लीज़ टेल मी आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी एंड कुछ प्रॉब्लम हो लाइक like, थोड़ी बहुत हमने साइंटिफिक टर्म भी पढ़ी है इसमें साइंटिफिक लाइन पढ़ी है तो अगर कोई क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ लेट मी नो आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेरी टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ